बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार बना ली है। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में नई सरकार के गठन में निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार विधानसभा में इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह कौन है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 9वीं बार बिहार के सीएम बनने के साथ ही उनके मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री और 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद नए मंत्रिमंडल की लिस्ट में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, निर्दलीय से सुमित कुमार सिंह और हम से संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाए गए हैं। इन सब के बीच चकाई विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह का नाम सुर्खियों में है। बिहार सरकार में इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वो बिहार के कद्दावर नेता रहे नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। चकाई विधानसभा सीट पर सुमित सिंह के परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके दादा श्री कृष्ण सिंह चकाई विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 1967 और 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीत हासिल की थी। सुमित सिंह को साल 2022 में भी बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, जब नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी। इससे पहले भी सुमित कुमार सिंह एनडीए सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री थे। सुमित सिंह को उनके क्षेत्र में बिकी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की वजह से लोग उनको विकास पुरुष भी कहते हैं। यही वजह है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद वो लोगों के पसंदीदा नेता हैं। नीतीश सरकार में इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का जन्म 1 फरवरी 1984 को बिहार के जमुई में हुआ था। वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह लालू सरकार से लेकर नीतीश सरकार तक मंत्री रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार में बड़े विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा उनके पिता साल 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह स्टूडेंट लाइफ से ही सियासत में सक्रिय रहे हैं। विधायक सुमित जेएनयू के छात्र रहे हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चकाई से चुनाव लड़ा था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और सुमित कुमार सिंह ने इसके बाद साल 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे। इसी का परिणाम रहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो निर्दलीय लड़े और जीत हासिल की। इस क्षेत्र में आदिवासी, एससी, मुस्लिम, यादव और राजपूत वोटर हैं। माना जाता है कि राजपूत वोटरों के साथ ही दूसरे वोटरों पर भी सुमित सिंह की अच्छी पकड़ है। सुमित सिंह के अलावा उनके 2 भाई भी विधायक रह चुके हैं।